जी हाँ दोस्तों, रीट परीक्षा तिथि 2021 को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आपको बता दें। रीट परीक्षा 2021 बदल सकती है परीक्षा शिक्षक भर्ती की तिथि। अल्पसंख्यक आयोग ने दिए दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं राज्य में होने वाली 30,000 शिक्षक भर्ती पर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। जो पहले रीट परीक्षा तिथि रविवार 25 अप्रैल 2021 को होनी थी, इस दिन महावीर जयंती का अवकाश होने की वजह से जैन समाज जो है लगातार इसमें खासा रोष जो है दिख रहा है, यानी कि लगातार इसमें जो है इसको बदलने की मांग जो है लगातार जैन समाज द्वारा की जा रही है। उसी को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है इस वीडियो में, आज हम आपको बताने वाले हैं उस अपडेट के बारे में। दोस्तों, राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर यहाँ पे देख सकते हैं जो लगातार लंबे समय से जो संघर्ष था जैन समाज का, वो एक बार फिर से जो है सुर्खियों में नज़र आ रहा है। एक और जहाँ राजस्थान सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पात्रता परीक्षा रीट 2021 को 25 अप्रैल को कराने पर अड़े हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सामाजिक संगठन इस परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग तक जो है पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें इसी बीच जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने रविवार यानी कि राजस्थान सरकार को लिखित तिथि लिखित परीक्षा बदलने के लेके दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य में 31,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है परीक्षा के लिए। अब तक कुल जो है 16.50 लाख उम्मीदवारों का आवेदन हो चुका है। दरअसल राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 रविवार 25 अप्रैल 2021 को होगी। इस दिन महावीर जयंती का अवकाश होने की वजह से इस परीक्षा तिथि को इस दिन न कराकर किसी दूसरे दिन कराने की लगातार जो है मांग जैन समाज द्वारा उठ रही है। वहीं दोस्तों, हम बात करें अल्पसंख्यक द्वारा जैन समाज इस वजह से परीक्षा का विरोध कर रहा है। समाज की मांग है कि परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जैन समाज की इस मांग को कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों का समर्थन भी जो है प्राप्त हो चुका है। अब यह रीट परीक्षा 2021 परीक्षा का मामला जो है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल मिनिस्ट्री कमीशन तक पहुँच चुका है। दोस्तों, आपको बता दें यहाँ पर जो है आयोग को शिकायत मिली है कि राजस्थान सरकार जो है महावीर जयंती के दिन 25 अप्रैल 2021 को रीट परीक्षा करवा रही है और जैन समाज में इसको लेकर काफ़ी जो है खासा रोष देखने को मिल रहा है। आयोग के उपाध्यक्ष आतिफ राशिद ने राजस्थान सरकार को निर्देश जारी करते हुए लिखित परीक्षा बदलने के निर्देश यहाँ पर जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी राष्ट्रीय पर्व के दिन यानी कि राष्ट्रीय अवकाश के दिन, जिस दिन कोई भी धार्मिक पर्व हो, उस दिन आप परीक्षा का आयोजन नहीं करवा सकते। इस वजह से आप इस तारीख को जो है बदलने की कृपा करें। यहाँ पे ऑफिशियल ट्वीट भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इन्होंने ट्वीट करके भी यहाँ पे परीक्षा तिथि को बदलने को लेके यहाँ पे अपनी बात रखी है। राजस्थान दौरे के दौरान यहाँ पे देख सकते हैं NCM गोल को शिकायतें मिली कि राजस्थान सरकार महावीर जयंती के दिन यानी कि 25 अप्रैल को रीट का एग्जाम करा रही है। जैन समुदाय में इसे लेकर खासा रोष है। आज आयोग ने राजस्थान सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी कर एग्जाम की तिथि को बदलने के निर्देश जो है यहाँ पे जारी कर दिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार इस तिथि को बदलने की मांग की जा रही है। दोस्तों, एक दिन पहले ही राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष DP जारोली ने स्पष्ट किया था कि 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, हमारे पास और कोई भी रविवार जो है खाली नहीं है जून तक, इस वजह से हम जो है 25 अप्रैल को एग्जाम कराएंगे। लेकिन दोस्तों, अब जो है ये 25 अप्रैल को एग्जाम होना नामुमकिन नज़र आ रहा है। रीट परीक्षा तिथि में लगातार जो है बदलने की मांग को लेकर काफ़ी ही ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थियों में भी उत्सुकता देखने को मिल रही है और यहाँ पर कोर्ट में भी आदेश जा चुका है कि दोस्तों लेवल 1 के लिए आवेदक की अंतिम तिथि जो है वो 20 फरवरी तक बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब जो है एक बार फिर से यहाँ पे EWS को लेके भी पेज फंस चुका है। EWS के अभ्यर्थी भी लगातार जो है आवेदन तिथि दोबारा से बढ़ाने की, आवेदन करने की अपील जो है की जा रही है। तो दोस्तों, आज यानी कि हम बात करें आज 26 मार्च 2021 को आखिरी फैसला आना है। जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था अशोक गहलोत द्वारा, तो आज फाइनल डिसीजन आएगा कि परीक्षा तिथि जो है 26 जून या फिर 22 मई या 2 मई या फिर हम बात करें 25 अप्रैल को होगी। ये आज स्थिति जो है क्लियर होने वाली है, जो है सामंजस्य बना हुआ है या साफ होने वाला है। जैसे ही रीट परीक्षा तिथि को लेके यहाँ पे बड़ा अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। इसके लिए दोस्तों, आपको वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और पास में बेल या घंटे के निशान को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखिएगा। और दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।